संभू आ जाओ। पहले ही गेम पे सफलता मिल सकती थी, लेकिन आप श्रेष्ठ पकता हुआ संभू प्रसाद सामना करेंगे मनोज। अच्छा शॉट, लेकिन काफी उछाल मिलता हुआ गेंद को, और जब तक बॉल थ्रो हो पाते चार रन दौड़ करके मनोज ने पूरे कर लिए। और कुछ कॉमेडी कमेंट्री बॉक्स में होती हुई, और काफी अच्छा शॉट, काफी अच्छा शॉट वहां पे मनोज के बल्ले से। दौड़ करके तीन रन पूरे किए मनोज पे। गेंदबाजी करेंगे संभू प्रसाद, अच्छी गेंद और हल्के हाथों से खेल दिया उसे। तीन रन दौड़ करके पूरे कर लिए, अच्छा तालमेल दिखाते हुए सामना करेंगे अमर सिंह कमल किशोर। खेल दिया है गेंद को और काफी अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और दो रन दौड़ करके पूरे किए। प्रारंभ किया कमल किशोर की ये गेम, और खेल दिया है सीधा शॉट, सीधे बल्ले से खेला हुआ ये शॉट। और फिर से खराब थ्रो, बडोल गांव का खराब थ्रो, और तीन अगली गेंद धीरेन्द्र की अमर को, और ये बोल्ड कर दिया है अमर को, पहला झटका लगता हुआ पोखरा को। तो धीरेन्द्र काफी अच्छा अनुभव दिखा रहे हैं अपना अनुभव से, प्रगति पर 23 रन पे पहला झटका लगता हुआ पोखरा को। तो धीरेन्द्र तैयार, सामना करेंगे दिनेश अगली गेंद लेकर के। और फिर से लगातार दूसरा झटका, दिनेश आए और चले गए बिना खाता खोले हुए, दिनेश पवेलियन वापस, और धीरेन्द्र ने उन्हें बोल्ड कर दिया है। आज देखते हुए धीरेन्द्र का सामना करेंगे, और खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, और अंपायर सुधीर का इशारा बीएसएल चौके का, तो बीएसएल चौका लगता हुआ ईशांत के बल्ले से। तो ईशांत, और उसी के साथ तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ, और तीन ओवरों की समाप्ति के बाद पोखरा का स्कोर 26 दो विकेट नुकसान पे, 27 रन दो विकेट। अगली गेंद विनोद के मनोज के लिए, खेल दिया है एक रन मात्र, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, और किसान फिर से खेल दिया है हल्के हाथों से एक रन के लिए, रनों पे अंकुश सा लग गया है। अरे बोल्ड कर दिया है मनोज को, खेल दिया है बोस्टन की दिशा में। मात्र एक रन, खराब तालियों में यहां से जीत सकती है। अगली गेंद धर्मेंद्र के शांत को, फिर से खेल दिया है कवर्स की दिशा में, और फिर से एक रन चुरा लिया है वहां पे, और एक रन के साथ 37 रन, काफी अच्छी गेंद धर्मेंद्र की। अगली गेंद सामने मंदू,
दौड़ करके भी ओवर समाप्त। छह ओवर के समाप्ति के बाद 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे पोखड़ा का स्कोर। गेंदबाजी करने आए हैं विनोद। विनोद काफी अच्छी गेंद करी थी इन्होंने पिछले ओवर में। और बोल्ड पहली गेंद पे बोल्ड मार दिया है विनोद ने ईशांत को विनोद के द्वारा। अच्छी गेंद है इतना ही अच्छा शॉट मात्र 1 रन। एक रन दौड़ करके पूरा किया रतन ने। अब सामने है मनदीप और अंपायर का सारा आउट का तो एक और सफलता मिलती हुई विनोद को इस ओवर में। रतन सामना करेंगे विनोद का। खेल रहा है जोरदार प्रहार किया इस गेंद के ऊपर और अंपायर डिसीजन और स्कोर 47 रन। 47 रन जा पहुंचा है पोखरा का कुल स्कोर 7 ओवर के समाप्ति के बाद। 18 में 26 चाहिए पूरा गेम। सामना करेंगे राहुल। खेल दिया है हल्के हाथों से और खराब बॉल ने वहां पे दोनों गेंदबाजों के बीच लेकिन खराब बिल्डिंग खराब थ्रो और दो रन। दो रन अगले गेंद धीरेन्द्र के सामने है राहुल और खेल दिया है हवाई फायर। कोई नुकसान नहीं वहां पे और दौड़ करके दो रन पूरे किए और इन्हीं दो रनों के साथ पोखरा का 50 भी क्रॉस हो चुका है। 50 रन क्रॉस कर चुके हैं 51 रन पे पहुंच चुके हैं पोखरा। अच्छी गेंद और जोरदार अपील और अंपायर का इशारा आउट का तो राहुल स्टंप के तौर पे आउट होते हुए अच्छी कीपरिंग का मुजाहरा पेश करते हुए खेल दिया है जोरदार प्रहार इधर गेंद के नीचे आता हुआ अंपायर डिसीजन आउट और एक और झटका रतन आउट होते हुए धीरे मैच को जकड़ के रखा हुआ है। विनोद सामना करेंगे और फिर से बोल्ड। विनोद ने एक और विकेट एक और सफल वहां पे लगी है बल्लेबाज की और फिर से एक और विकेट का पतन। अमन आए हैं फिर से बल्लेबाजी करने और अच्छा शॉट खेला वहां पे अमन ने मात्र 1 रन के लिए। इसकी औपचारिकताएं बाकी रह गई है। यदि पोखरा को ये मैच जीतना है तो लगातार छक्के पे छक्के दिखाने होंगे और ये गेंद और फिर से रन आउट एक और रन आउट और बड़ोदा की टीम यूट्यूब चैनल पे जोमैटो बोल।